ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। और इस वक्त जो खबर है उसको देख के आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा। दिल्ली सरकार बता रही है कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें जो कोविड मरीजों का है वो देखभाल अच्छी की जा रही है, उसके साथ ही इलाज भी अच्छे किए जा रहे हैं, बेड की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन गुरु तेग बहादुर अस्पताल की असलियत आप देख कर चौंक जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता राकेश चावला की खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देख केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी को रोकने में सरकार विफल नजर आ रही है। भले ही दिल्ली सरकार दिल्ली में कोरोना के मरीजों को इलाज देने के लिए अस्पताल के बेड की व्यवस्था बता रही है, लेकिन मरीजों के परिजनों का कहना है कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मरीजों को अच्छी तरह इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर मरीज की जानकारी लेनी होती है तो अस्पताल के गेट पर गार्ड इन्हें अंदर नहीं जाने देते, धक्का मुक्की और मारपीट तक कर देते हैं और ना ही अंदर बैठे मरीज को कोई जानकारी मिल पाती है। अपनों की जानकारी ना मिलने से मरीज के साथ साथ उनके तीमारदार भी अस्पताल के बाहर रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कई तीमारदारों से उनका दर्द जाना तो उनकी आंखों में आंसू तक छलक आए। मेरी ग्रैंड मदर है, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, कि क्या है दिक्कत, खाना पीना खा रही है या क्या है, कुछ पता नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि आप आके मिलिए हमसे, मैं गई हूँ गेट नंबर 3 पे, गेट नंबर 3 वालों ने यहाँ भेज दिया गेट नंबर 1 पे, फिर गेट नंबर 1 वालों ने फिर 3 पे भेजा कि वहाँ जाके सीएमओ के साइन करवा के लेके आएंगे। बस यही भागा दौड़ी चल रही है, पेशेंट का कुछ अता पता नहीं है, जिंदा है मर गए कुछ अता पता नहीं है। बस इनका ये है कि ये फ़ोन कर देंगे कि जाके अपनी ले जाइए डेड बॉडी, बस यही वेट हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अस्पताल के गेट पर रोती बिलखती इस माँ का कहना है कि इसका बच्चा सही था, इलाज सही से ना मिलने के कारण बच्चे की मौत हो गई और इनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। बुखार लगा था, हल्का हल्का दर्द, खांसी हुआ था। नगर में बोला कि चपड़ा में हो गया है, बलगम ज्यादा हो गया है, यहाँ कुछ नहीं परेशानी था। तो आप कहाँ पे ले गए बच्चे को? मौलविया नगर, मौलविया नगर से रेफर कर दिया यहाँ। मैंने बताया ना कि कब हॉस्पिटल। अब कैसी हालत है उसकी? कैसी हालत है, डेट कर दिया भैया। मार रहा है कि क्या कर रहा है? मेरा तो लड़का चला गया, कैसे करूं क्या करूं समझ में नहीं आता है। मेरा लड़का कल तक सही, शाम तक सही था, 2 बजे रात से ये जाते हुआ तब मैं सुबह 9 बजे ला करके पहुँच गया और 10 बजे वहाँ से हाथ ट्रांसफर कर दिया। 2 घंटा यहाँ रखा, फिर एकदम पूरा जान पहचान पूरा चेन चून करके तो किया है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डायरेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था है और डॉक्टर से लेकर हमारा सारा स्टाफ अपना काम कर रहा है। कि हमारे यहाँ पर हर मरीज को, अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो होश में है, इतना बीमार नहीं है कि वो उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, ऐसे हालत में हर तरह के उस मरीज को हम लोग 6 खाना दे रहे हैं दिन में, 6 तरह का, जिसमें 3 लीटर पानी मिलता है, इसके अलावा 1 लीटर पानी की बोतल अलग से रखी रहती है, मरीज कभी भी ले सकता है। ये हाई प्रोटीन डाइट है और इसमें हम 2 टाइम फ्रूट्स का पोर्शन भी दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है और रात के 10 बजे तक 9 बजे तक ये इंतजाम चलते हैं और मैं इस पर रेगुलर अपना निगाह बनाए हुए हूँ, ताकि मैं अपने डाइटिशियन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट में हूँ लगातार, मैं अपने नर्सेज से कॉन्टैक्ट में हूँ लगातार, मैं अपने नर्सिंग इंचार्ज से कॉन्टैक्ट में हूँ इस बार, कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही ना हो और जो खाना मैंने उनके लिए तय किया है वो मेरे मरीजों तक जरूर पहुँचे। भले ही गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डायरेक्टर सुनील कुमार मरीजों की देखभाल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के गेट पर रोते बिलखते ये मरीज परिजनों के आंसू बयां कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।